नमस्कार, पुलिस वाला वेब न्यूज की खास प्रस्तुति तफ्तीश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। इस बार तफ्तीश में हम बात करेंगे बिंध में समृद्ध होता गन कल्चर। अपराधियों के ठीए। पिछले वर्ष रीवा TRS कॉलेज में दिन दहाड़े गोली चली थी, उसमें एक छात्र की गोली से हत्या हो गई थी। रीवा में महाराजा होटल के सामने गोलीबारी की अन्य घटनाएं होती हैं। सतना को ही लिया जाए तो 4 महीनों में दिन दहाड़े भी शहर में गोली चली। कई घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाती हैं और सिस्टम पर भी। बैक ऑफ अपराध की ओर रुक कर रहे युवा 4 माह पहले भी थे और अब भी हैं। सरकार बदली, दहशत का दस्तूर वही है, ना पुलिस का डर न खौफ। यदि खौफ ज्यादा है तो शहर की जनता और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज के छात्र। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा ये छोर बिंद में इन युवाओं के हाथ कहाँ से उपलब्ध हो रहे हैं हथियार और असलहा, ये बड़ा सवाल है। और कैसे पहुंच रहे हैं आसानी से छात्रों के हाथ दहशत फैलाने वाले तमंचे। कई युवाओं का अपनी उम्र का लाभ लेकर बचने का कानूनी चलन न बन जाए, क्योंकि कुछ हाल के महीनों में सतना में गोली चलने की घटनाओं का अवलोकन किया जाए तो घटनाओं से युवाओं के हौसले बढ़े हैं। जो पुलिस और सिस्टम के लिए चुनौती तो है ही, वहीं शांति प्रिय अमन पसंद जनता के लिए खतरे की घंटी। शहर में गैंगवार होना, गोली चलना आम हो चुका है। हर मामले में आरोपी देसी कट्टे का उपयोग करते हैं। पुलिस जब भी उन्हें गिरफ्तार करती है तो उनके कब्जे से कट्टा बरामद भी किया जाता है, लेकिन पुलिस जांच को इससे आगे नहीं बढ़ाती। आखिर कट्टा आ कहां से रहा है? वो कौन लोग हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं तक कट्टा पकड़ाने में सफल हो रहे हैं? अपराधी की तरफ रुख कर रहे युवाओं की नई फौज भी तैयार हो रही है। सतना के वर्तमान पुलिस कप्तान संतोष सिंह गौर भी जब सतना आए तब प्राथमिकताएं तो गिनाई, लेकिन हौसले बढ़ते इन युवाओं पर लगाम नहीं लगा सके। बेखौफ होते जा रहे हैं शहर के उपद्री टाइम के युवा। शहर के अंदर शॉटगन शूट की घटनाएं। 8 मई 2017 भरूत नगर में गैंगवार हुई। 2 अपराधी गैंग आमने सामने हो गए और देखते ही देखते दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसमें 5 लोग घायल हुए। इसमें अभिषेक सिंह, मालू यादव, मोंटी यादव, निखिल यादव, अज्जू यादव और शिब्बू यादव को आरोपी बनाया था। दोनों पक्ष का विवाद पहले से था, समझौते के लिए मिले लेकिन मामला बिगड़ गया। 1 नवंबर 2017 समरिटन अस्पताल के सामने सराफा व्यापारी को गोली मारी गई। बाइक से आए लुटेरों ने रात करीब 9 बजे वारदात को अंजाम दिया और व्यापारी का सोने चांदी का बैग लेकर फरार हो गए। 19 जून 2018 न्यायालय पेशी से लौट रहे युवक पर शहर के शातिर बदमाशों ने खैरमाई रोड पर हमला किया। दिन दहाड़े युवकों पर धारदार हथियार से वार किया गया और आरोपी फरार हो गए। शातिर बदमाश मिक्की सरदार का नाम आया। 16 जुलाई 2018 जिला अस्पताल के ICU में गोली चली। आरोपी रात के अंधेरे में भागने पर कामयाब रहे। गोली इलाज करा रहे बदमाश मिक्की सरदार को निशाना बनाकर चलाई गई थी। इस मामले को भी पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। 21 जुलाई 2018 भरूत नगर में दिन दहाड़े गोली चली। गोली चाय पीने जा रहे युवक को लगी। शुरुआती दौर में पुलिस ने गोली चलने से ही इनकार कर दिया था, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने साफ तौर पर कहा था कि बाइक से आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने फायर किया। 25 अगस्त 2018 बमनगवा में 2 बाइक सवार युवकों ने फायर किया। घटना CCTV में कैद हुई। शुरू में पुलिस ने मामला दबाने का प्रयास किया, जबकि क्षेत्र में वारदात के 15 दिन पहले भी गोली चली, लेकिन पुलिस ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। अक्टूबर 2018 बाइक से आए 3 बदमाशों ने ओवरब्रिज के पास छात्र नेता राम राघव नाम को गोली मारकर फरार हो गए। राम राघव ने पुलिस से हमला होने की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अनसुना कर दिया। बाद में जाँच की गई। 22 जनवरी को शाम शहर के भरूत नगर में दिन में ही गोलीबारी। एक निर्दोष छात्र घायल। मामला 2 गुटों के विवाद के बीच बना। उनकी आपसी रंजिश के झगड़े में गोली का शिकार हो गया। हम लोग अपने दोस्तों के साथ घर जा रहे थे, सामने से शूट हुआ है हमारे ऊपर, दूसरों के ऊपर हुआ तो निशाना छूट के मेरे को लग गया। अच्छा, किसी और के लिए फायर था तो वो तुमको लग गया, तो क्या तुम देख पाए उनको? किसको? लड़के थे 2-3 तो बस। किसी के ऊपर कोई संदेह है सर? जी ने किसी को जानता भी नहीं था। अच्छा, कितने लोग थे? 3-4 के पास, 1 के पास। घटना कहाँ की? गोली चलाई है, उसमें घायल आलोक सिंह करके एक बच्चा है जो भी इलाजरत है, उससे पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले में जानकारी एकत्र कर आरोपी को तलाश की जा रही है। ठीक नहीं है, इसे नीचे बताया। घायल छात्र हुआ है कि कोई? घायल छात्र है, उसमें एक बच्चा है आलोक सिंह का, वो घायल है।
सिर्फ पुराना नाम आ रहा है, किसी का नाम आ रहा है सर? इसमें दो तीन संदेहों के नाम आ रहे हैं इस पूरे मामले में, उनको तलाशा जा रहा है और जल्दी उनको पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो इनको पुराना आरोपी बताया जा रहा है, कई अपराध कर चुके हैं इन लोग ऐसे? सिब्बू सिंह, सिब्बू यादव करके एक लड़के का नाम इसमें आया है जो पुराना अपराधी है, उसके कई मामले हैं जिसको पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल कुशवाहा सुब्बू को मारने आया था, अगर ऐसा नहीं होता, हमारा बच्चा गलत होता तो हम सामने नहीं आते आप लोगों के। तो जांच कर लेंगे, उसकी जांच का विषय है, किसने चलाई है, क्यों चलाई है, आपको लड़का खुद बताएगा ना। सुब्बू यादव को बताना चाहिए बात ना। सुब्बू यादव पहले से ही डरा हुआ है भैया, इतने सारे उसके ऊपर उन्होंने केस लगा दिया। हम लेके आते हैं सुब्बू को ना, सामने लेके आ रहे हैं उसको, सुब्बू को भी और मानू को, मेरे तीनों बच्चे। बहुत ही पौच इलाका है, दिन दहाड़े वहाँ गोलीकांड हो जाना और छात्रों के बीच में ऐसी घटना होना, ऐसे में क्या कहेंगे कि कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं कोई संदेह की बात है या लचीली होती जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? मेरा ऐसा सोच है कि पुलिस को अभी और काम करने की ज़रूरत है और पुलिस का भय अपराधियों पर होना चाहिए, पर मैं देख रहा हूँ कि पुलिस का आधा महकमा यहाँ पर सिर्फ सड़कों में चालान काटने के लिए बैठा रहता है। एक तरफ पुलिस के आला अधिकारी कहेंगे कि स्टाफ की कमी है, थाने में सिपाही नहीं है, हम क्या करें, संबंध बांटने के लिए सिपाही नहीं है, और दूसरी तरफ हम सबको देखने आया कि चाहे यातायात का मामला हो, शहर के अंदर जाम लगा है, घंटों लगा है, पर कोई एक सिपाही नहीं दिखता, और इसी तरह चाहे कोई घटना हो जाए उस मैंने उनको कोई अपने बीट बोलते हैं पुलिस की भाषा में, क्षेत्र एरिया, उस एरिए के बारे में वहाँ का हेड कांस्टेबल और वहाँ का जो दरोगा होता है वो की पॉइंट होता है, एक एक बदमाश की जानकारी, एक एक घटना की जानकारी, और बीट कांस्टेबल को तो पति पत्नी के झगड़ों की भी जानकारी रहनी चाहिए अगर वो सतर्क है, अलर्ट है, क्योंकि कोई किसी की पत्नी आत्महत्या कर ले तब रिपोर्ट तो दुनिया लिख लेगी, पोस्टमार्टम पंचनामा करा दे। मैं सोच रहा हूँ आज ये जो घटना हुई है शर्मनाक है, बरौद नगर शहर का सबसे और पॉश एरिया है और वहाँ पिछले कुछ समय से गुंडागर्दी का एक अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है। मैं अधिक तो कुछ नहीं कहूँगा, तात्कालिक घटना है, पर मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि वो बच्चा जो अबोध है, 10वीं का छात्र आलोक सिंह इसका नाम है, और ये स्कूल से घर जा रहा था, इसे कुछ मालूम नहीं, कुछ खबर नहीं, इसका किसी से कोई विवाद नहीं, पर सड़क चलते लोग और गोलियों से घायल हो जाए और उन्हें चोट आए या मारे जाए, गोली है अभी हाथ में लगी, अगर 1 इंच इधर होती तो उसके चेस्ट में जाती वो गोली, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने ये पुलिस एकदम निष्क्रिय है, पर इतना तो ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पुलिस को अपना नज़रिया और विशेष करके मेहनत, जो आज की तारीख में कोई करना नहीं चाहता, और अपनी जवाबदारी का बोध, अगर नीयत सही है मैंने किसी भी करिंदे की, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे थानेदार हो, चाहे प्रधानमंत्री, अगर नीयत सही है और नीति सही है तो मैं सोचता हूँ तमाम बातों पर चेक लगाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। मैं पुलिस अधीक्षक से इस घटना की निंदा करते हूँ, पुलिस प्रशासन का जो लचर रवैया है उस पर भर्त्सना करते हुए पुलिस अधीक्षक से और विशेष करके जिला कलेक्टर से ये कहूँगा कि तुरंत शहर के अंदर जो थाने काम कर रहे हैं उन थानों की क्राइम मीटिंग बुलाएं और शहर के बदमाशों को चिन्हित करें, शहर के पेशेवर अपराधियों को चिन्हित करें। ये गोलियां तड़ातल चढ़ रही हैं, ये आर्म्स आ कहाँ से रहे? सवाल ये है कि आर्म्स कहाँ से मिल रहे हैं इस तरह लोगों को, अवैध हथियार, और यहाँ का जनजीवन सुरक्षित रहे इस बात की गंभीर चिंता करनी पड़ेगी। ये चिंता हम सबको न करनी पड़े, ये चेतावनी भी दे। और हमारी खास प्रस्तुति तफ्तीश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।